पराई निंदा, निंदा ये एक ऐसा अवगुण है साध संगत जी, जिसके बारे में गुरबाणी में इतनी सख्ताई से और किसी चीज़ के लिए नहीं कहा, किसी चीज़ के लिए नहीं। एक बार ये भी सख्त में कहा है कि हर जो अहंकार ना भावे, भगवान को अहंकार अच्छा नहीं लगता। पर निंदा के बारे में तो ऐसी ऐसी पंक्ति है ना, अच्छा लगना तो दूर, कि जो निंदा करता है उसे अपने कर्मों का लेखा भुगतना ही पड़ता है, चाहे कुछ कर ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो निंदा करता है उसका कोई इलाज ही नहीं। वाणी में बार बार दास कहता है कि ऐसी कोई दुख नहीं जिसका इलाज नहीं, पर निंदा के बारे में गुरु ने भी हाथ खड़े कर दिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि निंदा एक ऐसा रोग है जिसका कोई इलाज नहीं, कोई ही इलाज नहीं। अगर कोई निंदा करता है किसी की तो उससे उसका जो प्रभाव है उससे छुटकारा नहीं पा सकेगा, वो निंदा का दुख फल उसे भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वो नाम ही क्यों ना जप ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बहुत बड़ा अलग पहलू है कि नाम क्या करता है, पर निंदा इतनी खतरनाक चीज बताई गई है वाणी में। निंदा किसे कहते हैं? पेट के पीछे बुराई करना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, जिसमें हम सब बहुत आनंद लेते हैं, हमें पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।